दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर पहली पत्नी ये इजाज़त दे देती है कि आप दूसरी शादी कर सकते हो तो क्या पति दूसरी शादी कर सकता है और क्या वह दूसरी शादी भाई गेमी में नहीं मानी जाएगी और एक वैलिड मानी जाएगी। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी लोगों के इस पर सवाल आते भी रहते हैं क्योंकि कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के कारण पति दूसरी मैरिज करना चाहता है लेकिन उसमें पत्नी की भी सहमति चाहता है, तो उस सिचुएशन में आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों नो टाइम पास नो बकवास सीधा करते काम की बात। मैं हूं हैंस। सेकंड बात दोस्तों कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन में पूरी डिटेल में लिखी रहती है। देखिए दोस्तों मान लीजिए आप शादीशुदा है और आपकी हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए पत्नी की कोई ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं या कोई मान लीजिए आपका इरादा अलग है या फिर आपको दूसरी किसी से और से प्यार करते हो और उसमें अपनी वाइफ से मनाने की कोशिश करते हो कि यार मैं आपको भी रखूँगा और उसे भी रखूँगा। मान लीजिए पत्नी ये सोच के आपको परमिशन देती है कि चल ठीक है आप शादी कर लीजिए और उसमें आप एक एग्रीमेंट भी बना लेते हो, आपकी वाइफ से एक एग्रीमेंट भी बनवा लेते हो कि हाँ आप सेकंड मैरिज कर सकते हो, मेरे साथ ही रखिए लेकिन मेरे को डिवोर्स ना चाहिए, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद ये सवाल कई लोगों के माइंड में होते हैं कि सर ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा कि दो दो मैरिज, एक हस्बैंड के दो दो वाइफ रहती है। देखिए कोर्ट में जब तक क्राइम नहीं होता है जब तक कोर्ट की नज़रों में नहीं होता है, आप कोर्ट में आपकी सहमति है दो हस्बैंड एक हस्बैंड के दो दो वाइफ रह रही है तो उनकी दोनों की सहमति है, लेकिन अगर उनमें से जो लीगल वाइफ है अगर वो एक्शन लेगी तो सेकंड वाइफ जो भी मैरिज उनकी थी सेकंड जो वाइफ रह रही है वह अलीगली मानी जाएगी। ठीक है तो इस पे दोस्तों एक क्लियरली बात करता हूँ कि मान लीजिए कोई आप एग्रीमेंट बना के भी अपनी पत्नी की सहमति से भी अगर आप कोई दूसरी शादी कर रहे हो वो भी बाई गेमी मानी जाएगी। यहाँ पर मैं एक हाईकोर्ट का भी जजमेंट का भी बात करूँगा तो वो डिटेल में आपको मैं बताऊँगा कि मान लीजिए अगर आपकी पत्नी को एग्रीमेंट बना के ये दे रही है तो ये आपकी गलत फहमी है और आगे चल के आपको फंसा सकती है वह। जी हाँ दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने एक 2007 में जजमेंट दिया था विनोद कुमार करके वर्सेज ऑफ इंडियन यूनियन इंडियन का, जिसपे आपको मैं डिटेल में आपको पूरी उसकी डिस्कशन बारे में डिटेल में मिल जाएगी आपको, उसमें आप डिटेल में रीड कर सकते हो कि पत्नी ने पहले सहमति दिया। फोर्स में एक लड़का था सब इंस्पेक्टर, उसने अपने कांस्टेबल डिपार्टमेंटल में शादी कर लिया क्योंकि उससे प्यार करता था, पत्नी की सहमति लिया, पत्नी ने एग्रीमेंट बना के दे दिया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही पत्नी ने यह कह भी दिया कि आप उसे रख सकते हो, उसका कहने का एक इमोशनल होगा उसके साथ कि वह यह चाहती है कि वह भी रहना चाहती है, लेकिन अब पति मान ही नहीं रहा तो उसने इस वजह से प्रेशर में उसने दिया होगा। इस सिचुएशन पे दोस्तों कभी भी अगर कोई पत्नी ये कहती है आपको कि मेरी सहमति से आप सेकंड मैरिज कर लीजिए तो भी वो बाई गेमी में और 494 के केस में होगी और सेकंड जो आपकी मैरिज होती है वो बाई गेमी में जाएगी, अनवैलिड मानी जाएगी। तो इसके लिए आप अगर कोई सेकंड मैरिज करना चाहते हैं पत्नी की परमिशन तो आप पहली पत्नी से तलाक लीजिए उसके बाद ही आप सेकंड मैरिज कीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज इतना ही, जय हिंद।